सो ये रील मुझे इंस्टा पे रेंडमली मिल गया था एंड जब मैंने इसका कमेंट चेक किया तो उस पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि भाई ये वीडियो कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, कौन सा ऐप यूज किया, वैसे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि काफ़ी सारे लोगों का जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए एंड वो लोग भी सीख जाएँ कि इस तरह के वीडियो हम कैसे बना सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन से। तो इसके लिए पहले जाओ अपने कैपकट के एप्लीकेशन में, सिंपली इसको ओपन करना एंड अपना जो वीडियो क्लिप होगा सिंपली उसको ऐड करना। मेरे यहाँ पे कुछ इस तरह का वीडियो क्लिप है एंड मेरे पास यही क्लिप है तो हम इसी पे एडिट करेंगे। बाकी अगर मान लो आप लोग शूट कर रहे हो ना तो फिर आप लोग रोड पे शूट करना जहाँ पे अच्छा रोड हो एंड स्काई भी हो और ऊपर का पार्ट पूरा अच्छा दिखता हो, वैसा जगह पे शूट करना ताकि आपको अच्छा से दिख सके। ओके, तो इसके लिए पहले जाओ स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ से क्लिक करना ओवरले में एंड प्लस में क्लिक करना एंड पहले हम ऐड करेंगे कार वाला जो भी ग्रीन स्क्रीन है उसको एंड उसको यहाँ पे ऐड करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 3D जनरेट करना, मतलब जो भी हमारा कार है वो 3D में होना चाहिए और हम कैपकट से 3D में नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोग ब्लेंडर या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो PC में यूज होता है वहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो फ़ोन के लिए हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है तो सिंपली इसको हम ऐड कर लेंगे कुछ ही तरह से। उसके बाद इसका जो भी लेंथ है जहाँ तक आपका वीडियो क्लिप रहेगा वहाँ तक रखना, जैसे मेरा वीडियो क्लिप यहाँ तक है तो सिंपली इसको यहाँ तक करते हैं। बाकी भी हमारे वीडियो में 2 कट्स हैं तो कोई ना, बाद में देखते हैं क्या करना है उसको, बट पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना कट आउट में, उसके बाद क्लिक करना क्रोमा की में, उसके बाद यहाँ पे जो कलर सिलेक्शन है इसको रखना यहाँ पे ग्रीन में, जो आपका ग्रीन कलर है वहाँ पे सेलेक्ट कर देना। उसके बाद क्लिक करना इंटेंसिटी में एंड इसको इंक्रीज करना एंड आपको उतना इंक्रीज करना जितना आपका जो भी ग्रीन पार्ट है हट जाए उतना, तो हम अप्रोक्स इतना रखते हैं। उसके बाद शैडो में आ जाओ एंड शैडो को भी हल्का सा बढ़ा देना ताकि जो भी ऐसा पार्ट है जो ग्रीन दिख रहा होगा उसको शैडो में कवर कर देगा। तो शैडो को हम इतना रखते हैं, बाकी इसको हम डन कर देंगे एंड डन करने के बाद इसको हम सेट कर देंगे ऊपर में। ओके, जहाँ पे भी आपको रखना होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे रखना होगा तो सिंपली इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, यहाँ पे अच्छे से देखो एंड यहाँ पे हमारा कट है, मतलब कि यहाँ पे हमारा 2 क्लिप है। आप चाहो तो एक ही क्लिप में आप लोग ऐड करना, मेरे पास क्लिप नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया बीच में। तो सिंपली हम आएंगे बीच में, उसके बाद इस क्लिप को भी कट कर देंगे, इसको भी स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद आ जाना यहाँ पे एडिट में एंड एडिट में आने के बाद इसको कर देना मिरर, मतलब कि उल्टा साइड, क्योंकि हमारा जो भी अगला क्लिप का फेस है उल्टा साइड है तो इसको हम यहाँ पे करके इधर भी कर देंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना फिर से इस क्लिप में, बोले तो सेकेंड क्लिप में एंड इसको कॉपी कर लेना। यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद इसी क्लिप में क्लिक करना एंड इसको कर देना रिवर्स। ओके, यहाँ से रिवर्स कहाँ गया भाई, रिवर्स 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 यहाँ पे है तो रिवर्स कर देना, बाकी डन। उसके बाद क्लिक करना इस क्लिप में, इस कार वाले क्लिप में, सेकंड कार वाले क्लिप में, उसके बाद इसको भी हम कर देंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद इसको भी हम कर देंगे रिवर्स। ओके, एंड उसके बाद हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो हल्का सा लैग कर रहा है यहाँ पे, बट कोई ना, ये भी जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं, पहले यहाँ पे हम ऑडियो ऐड कर लेंगे, उसके बाद एक और इफेक्ट ऐड करना है। पहले यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे ऑडियो में, उसके बाद स्टार्टर में क्लिक करके एंड गैलरी से आपको इस वाले सॉन्ग से निकालना है ऑडियो को। यहाँ से हम ऑडियो इनपुट कर लेते हैं, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे इफेक्ट में एंड क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट में, उसके बाद आ जाना यहाँ पे नॉइज़ में, नॉइज़ में नहीं तो फिर आ जाना TV में एंड यहाँ से ऐड करना CCD, सिंपली इसको ऐड करना एंड बाकी इसको डन कर देना एंड यहाँ से ऊपर खींचे इन तक कर देना। बाकी क्लिक करना यहाँ पे इफेक्ट में क्लिक करके ऑब्जेक्ट में एंड कर देना ऑल वीडियोज़, बाकी डन और फाइनल वीडियो बन के रेडी है गाइस। अब यहाँ पे देखो, नहीं पहले इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कैसा बना। तो यहाँ पे देखो बहुत ही मस्त बना, बाकी बहुत ही सिंपल था, बहुत ईजी था एंड गाइस यहाँ पे जो भी कुछ यूज हुआ है, चाहे वो कार वाला ग्रीन स्क्रीन हो या फिर कोई भी सॉन्ग या फिर कुछ भी हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो सिंपली वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन हो जाओ एंड वहाँ से आप लोग को सारे मटेरियल्स को डाउनलोड करना एंड कुछ इस तरह से आप भी यूज करना। ओके, बहुत ही सिंपल था तो आप